चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को मैं भौतिक के बारे में, मात्रकों के बारे में बताऊंगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा मात्रक। तो यहाँ टॉपिक बना लेंगे, मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक की परिभाषा मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहा हूँ मात्रक का। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसी मानक का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसी मानक का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब मैं आप लोगों को मात्रक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक में हो जाएगा मूल मात्रक और दो नंबर हो जाएगा क्या, व्युत्पन्न मात्रक। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को मूल मात्रक के बारे में बताऊंगा। मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, वैसी मात्रक जो किसी भौतिक राशि के मानक के रूप में व्यक्त होता है या मानक के रूप में होता है, उसे ही क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो देखिए, लिखेंगे मूल मात्रक, वैसी मात्रक वैसे मात्रक जो किसी भौतिक राशि के मानक रूप हो, चाहे रूप होता है, उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं बताऊंगा मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। देखिए, मूल मात्रक सात प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को रोक कर अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो इसे उतार ले, क्योंकि यह नीचे नहीं अट पाएगा 7 को। देखिए, मैं ऊपर का मिटाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं उसे उतारने के लिए, तो इस वीडियो को थोड़ा रोके और इस क्वेश्चन को उतार ले, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा। चलिए, मैं अब इसे यहाँ पर लिखूंगा, भौतिक राशि।
भौतिक राशि। उसके बाद हमारा एस आई का मूल मात्रक। उसके बाद हमारा हो जाएगा संकेत। देखिए हम सात को कैसे लिखेंगे, पहले सात को यहाँ पर खंड बना लेंगे। क्या हो गया, 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों मैं इस नीचे वाले को ही मिटा देता हूँ, क्योंकि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, आप लोग लिख ही चुके होंगे कॉपी में अपने। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। चलिए एक में हो जाएगा हमारा लंबाई। लंबाई हमारा एक नंबर हो जाएगा, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर। मीटर हमारा ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। मीटर का संकेत क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। मीटर का संकेत होगा एम। अब आप लोग देखिए 2 नंबर में क्या है, द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान 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 का हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हमारा हो जाएगा किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम का हमारा क्या लिखा जाएगा, केजी। उसके बाद 3 नंबर है, 3 नंबर में हमारा क्या होगा, समय। समय समय को हम लोग सेकेंड लिखेंगे। समय का ऐसा ही मूल मात्रा क्या होगा, सेकेंड। सेकेंड को क्या लिखेंगे, एस। उसके बाद हमारा हो जाएगा ताप। उसके बाद हमारा ताप हो जाएगा, ताप का हो जाएगा एस आई का मूल मात्रक कैल्विन। कैल्विन हो जाएगा, कैल्विन का संकेत के हो जाएगा। 5 नंबर होगा, पांच नंबर हमारा होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा विद्युत धारा हो जाएगा हमारा एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मूल मात्रक क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर का संकेत ए हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में हम लिखेंगे क्या, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एस आई का मूल मात्रक होगा कैंडेला। कैंडेला कैंडेला का संकेत होगा सी डी। सी डी से क्या होगा, कैंडेला। उसके बाद देखिए 7 नंबर में हमारा हो जाएगा, यानी कि लास्ट में हमारा हो जाएगा ज्योति तीव्रता का बाद हमारा पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण पदार्थ का परिमाण चलिए पदार्थ का परिमाण हो जाएगा। उसके बाद पदार्थ का परिमाण का एस आई मूल मात्रक क्या होगा, पदार्थ का परिमाण का एस आई मात्रक होगा मोल। मोल का मोल ही लिखाता है। चलिए दोस्तों
यह हो गया। अब मैं आप लोगों को व्युत्पन्न मात्रक बताऊंगा। हमारा ये क्या हो गया, मूल मात्रक का परिभाषा, और मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, ये हमारा हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, व्युत्पन्न मात्रक। अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं कॉपी पर, तो वीडियो को रोक कर उतार लें, क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा अब। चलिए, अब मेरा टॉपिक होगा कि आप व्युत्पन्न मात्रक। देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या परिभाषा क्या होगा। व्युत्पन्न मात्रक वे सारी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त होता है, उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो लिखेंगे वे सारी मात्रक जो वे सारी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त होता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसी तरह के नए नए टॉपिकों को लेकर। Thank you.